हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज है 6 अप्रैल। मैं फ्रेंड आज आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही जबरदस्त कंपनी बताऊंगा, धाकड़ कंपनी बताऊंगा, जिसमें आप लोग पैसा लगा के ढेर सारा पैसा बना सकते हो। इस कंपनी के बारे में, इस सेक्टर के बारे में यूट्यूब पे कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आपको दिखाया जाएगा या फिर बता रहे होंगे कि इस कंपनी में किसी ने 10,000 रुपए लगाया था तो इतना करोड़ रुपया बना लिया, किसी ने 1,00,000 रुपए लगाया था तो इतना पैसा बना लिया। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छी सेक्टर की कंपनी है। आप लोग इसमें पैसा दिल खोल के लगाइएगा, आपका पैसा भाई बनेगा। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं हवेली जल देख लेता हूं। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर फ्रेंड उस कंपनी का धंधा अच्छा होगा, उनकी प्रोडक्ट अच्छे होंगे, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करेंगी। और जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही फ्रेंड लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो देखिए, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 16 में था वो 2056.76 था, सितंबर 16 में 2056.76 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 2702.68 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल काफी अच्छा दिख रहा है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम इसका काफी जबरदस्त है। सितंबर 16 में जो टोटल इनकम था वो 2081.76 था सितंबर 16 में, और सितंबर 18 हो चुका है वो 2727.26 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफयरली काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाफयरली काफी शानदार मुझे दिखाई दे रहा है। सितंबर 16 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 342.5 था सितंबर 16 में, और सितंबर 18 हो चुका है वो 397.31 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाफ ईयरली अच्छे दिखाई दे रहा है भाई। एबिटा देख लो, एबिटा भी काफी शानदार है। सितंबर 16 में जो एबिटा था वो 367.50 था सितंबर 16 में, 367.50 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 421.89 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस वाले भाई काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सितंबर 16 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 188.88 था सितंबर 16 में, 188.88 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 232.21 हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं हाफ ईयरली। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट सितंबर 16 में था वो 275.55 था सितंबर 16 में, और सितंबर 18 हो चुका है वो 232.21 हो चुका है। तो मुझे भाई इसका हाफ ईयरली रिजल्ट काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहे थे। तो देखिए, मार्च 14 में जो नेट सेल था वो 3384.82 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 4723.79 हो चुका है। तो देख लो भाई इसका नेट सेल कितना जबरदस्त है, और किसी भी ईयर में इसका नेट सेल नहीं कम रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी काफी शानदार है। मार्च 14 में जो टोटल इनकम था वो 3415.41 था मार्च 14 में, 3415.41 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 4770.32 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर काफी शानदार दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका काफी शानदार है। मार्च 14 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 389.64 था मार्च 14 में, 389.64 था,
और मार्च 18 में हो चुका है वो 743.50 चुका है और किसी भी ईयर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कम रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। एबिटा देख लो, एबिटा भी काफी शानदार है ईयर टू वाइज। मार्च 14 में जो एबिटा था वो 420.23 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में हो चुका है वो 789.93 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस ये देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस भी काफी शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 234.25 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में हो चुका है वो 431.84 हो चुका है। तो देख लो भाई प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना जबरदस्त है, 234 से 431 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम ही रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी काफी शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो पैट था वो 234.25 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में हो चुका है वो 431.84 हो चुका है। तो मुझे इसका ईयर टू रिजल्ट काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइएगा, आपको ये वेल्थ क्रिएट करके देगा, सुरक्षित कंपनी है भाई। बर्जर पेंट का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। आप सभी लोग बर्जर पेंट को जानते हो, एशियन पेंट को जानते हो, कंसाइन नैरो रैक के जानते हो। तो देखो फ्रेंड, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा आज से 30 साल पहले भी बनता था और आगे भी बनेगा। हम सभी लोग अपने घर को पेंट कराना चाहते हैं ताकि हमारा घर अच्छा दिखे, तो खरीदिए, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार इस कंपनी वीडियो बना चुका हूँ, एशियन पेंट वीडियो बना चुका हूँ, तो खरीदिए, आंख मूंद के खरीदने वाला ये स्टॉक है। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो बर्जर पेंट, एशियन पेंट के बारे में कई सारी स्टोरी हैं कि किसी ने 10,000 रुपये लगा के 1 करोड़ बनाया है, 2 करोड़ बनाया है, किसी ने 1 लाख लगा के 10 करोड़ बनाया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आगे भी पैसा बनेगा, दुनिया जानती है बर्जर पेंट, ब्रिटानिया, HUL, ये सब कंपनी फ्रेंड लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। धीरे धीरे करके खरीदारी करते रहो, एक दिन आप ढेर सारा पैसा बना लोगे। बर्जर पेंट का आपको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही है। तो देख लो यहाँ पे इंटीरियर वॉल कोटिंग में फिनिश है, इंटीरियर इमल्सन है, डिस्टेम्पर है। एक्सटीरियर वॉल कोटिंग में देख सकते हो, एक्सटीरियर इमल्सन, मेटल फिनिश, लोहे के लिए इनके पास पेंट है, लकड़ी के लिए भी पेंट है, ग्लास फिनिश अनकोटेड भी देख सकते हो, पुट्टी, इंटीरियर प्राइमर, एक्सटीरियर प्राइमर, मेटल प्राइमर। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है भाई, खरीदो, ये स्टॉक चलता ही जाएगा, सुरक्षित कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये यहाँ पे देख सकते हो, ये सब प्रोडक्ट हैं, आप इस कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हो। वैसे आपके गली मोहल्ले में तो पेंट का दुकान होगा ही। बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ये कंपनी 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है और आगे फ्रेंड इसी टाइप से ये रिटर्न बना के दे सकता है। तो देखो 10 साल में जो रिटर्न है वो 2,556.03% रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। सेंसो का रिटर्न है वो 275.52% का रिटर्न है। 3 ईयर में भी देख लो, 3 ईयर में भी ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 90.88% का रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है वो 56.18% का रिटर्न है। 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में रिटर्न है वो 28.18% रिटर्न है। सेंसे का रिटर्न है वो 15.67% रिटर्न है। ये टू डेट में देख लो, ये टू डेट में रिटर्न है वो 0.98% रिटर्न है। सेंसे का रिटर्न है वो 7.75% रिटर्न है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में रिटर्न है वो 9.49% रिटर्न है। सेंसे का रिटर्न है वो 6.67% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में जो रिटर्न है वो 3.17% रिटर्न है। सेंसे का रिटर्न है वो 0.49% रिटर्न है। 1 डे में जो रिटर्न है वो 0.69% रिटर्न है। सेंसे का रिटर्न है वो 0.46% रिटर्न है। तो देखो ये कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे रही है और आगे फ्रेंड ये ऐसे ही रिटर्न बना के दे सकता है, सुरक्षित कंपनी है। तो दिल खोल के खरीदिए, आप जितना चाहो उतना पैसा इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
बर्जर पेंट का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो, प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 74.99% होल्डिंग है, एफआईएस का जो होल्डिंग है बर्जर पेंट में वो 5.06% का है, म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो 2.56% का है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 1.59% का है, अदर डीआई पर जो होल्डिंग है वो 5.07% का है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 10.73% का है। कोई भी शेयर बर्जर पेंट इंडिया का प्लेस नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बर्जर पेंट का पी रेशियो है वो 65.88 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 14.56 का, डिविडेंड यील्ड है बर्जर पेंट का वो 0.54% का है भाई, आरओसी जो लेटेस्ट है वो काफी जबरदस्त है 29.07% का, आरओई जो लेटेस्ट है वो 21.94% का, तो मुझे इसका आरओसी लेटेस्ट काफी जबरदस्त लग रहा है। वैल्यूएशन यहाँ पे देख लो, वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, बर्जर पेंट हो या फिर एशियन पेंट हो, ये दोनों जो स्टॉक फ्रेंड हमेशा इसका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव भी आज तक मैं देखा हूँ, थोड़ा सा गिरावट होता है और ये स्टॉक फिर से चल पड़ता है, तो खरीदिए। अगर आप नहीं खरीदोगे तो फिर शायद ये स्टॉक छूट जाएंगे और ये स्टॉक सदा बाहर है, खरीद लोगे तो भाई पैसा बन जाएगा, आपकी किस्मत बन जाएगी, मैं तो बोलूंगा आपकी किस्मत बन जाएगी। बिजनेस इतना जबरदस्त है तो ये तो सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड होने वाला नहीं है। बर्जर पेंट का क्वालिटी देख लो, यहाँ पे गुड बता रहा है, सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर है वो 9.66% का है, जो कि अच्छा है, एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 16.15% का है। यहाँ पे भी देख सकते हो बर्जर पेंट ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है, तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 2556.03% रिटर्न है, 5 साल में 302.20% रिटर्न है, 3 साल में 90.88% रिटर्न है, 1 ईयर में 28% रिटर्न है। तो देखिए ये कंपनी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देगा, काफी जबरदस्त कंपनी है, खरीद के भूल जाइए, सुरक्षित कंपनी है, हर गिरावट में से खरीदिए, आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बेल बटन पे, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, और आप अपनी पोर्टफोलियो में एशियन पेंट को ऐड कीजिए, बर्जर पेंट को ऐड कीजिए, कंसाइन नैरो लैब को ऐड कीजिए, एक ऐसा बिजनेस फ्रेंड जो चलता ही जाएगा और आपका पैसा भी बनता जाएगा, हर गिरावट में इन कंपनियों में पैसा लगाते रहिए। धन्यवाद।